तीन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जो कि है सिक्योरिटी एनालिसिस। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नेम। व्हाट डज द चैप्टर सेज, व्हाट द चैप्टर नेम सजेस्ट। हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके नाम के बारे में भी समझते हैं फिर ही आगे बढ़ते हैं। तो उसी सीक्वेंस में तो पहले समझते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस में सिक्योरिटी का क्या मतलब है और एनालिसिस हम किस बात का करेंगे। सिक्योरिटी तो यहाँ पे एक सेकेंड मेरे को, हाँ ये रहा आपका सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी गार्ड आपको तो पता है सिक्योरिटी गार्ड्स क्या होते हैं, आपकी सिक्योरिटी क्या होती है, विमेन सिक्योरिटी क्या होती है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सिक्योरिटी, वी आर स्टडिंग फिनेंस। और फिनेंस में हमें सिक्योरिटी का मतलब समझना होगा कि सिक्योरिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। सिक्योरिटी इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। इसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है मतलब पैसे में उसको हम लोग मापा जा सके, उसको एनालाइज पैसे में हम उसे जान सकें। कोई भी वैल्यू है जैसे कि आपके नॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन आपके बुक का कोई वैल्यू होगा, 10 रुपये ही आप रीसेल कर लो तो जो बुक आपके पास है उसकी एक वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू आपने पे की है। तो दैट हैज़ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है, जो हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसका हम ट्रेड कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मॉनेटरी वैल्यू होने से ही नहीं हो वहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब बाई और सेल और होल्ड, आप बाई और सेल कर सकते हो सिक्योरिटी को। सो बेसिकली इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऑफकोर्स दिस इज़ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है और वो ट्रेडिंग किया जा सके, मतलब उसको हम लोग खरीद और बेच सकते हैं एट अ डिजायर्ड प्राइस। आपको जो मन है उस पे आप खरीदिए, उस पे आप बेचिए, ठीक है। अब इसको हम लोग जनरली क्या मानते हैं, जनरली हम लोग ये समझते हैं कि सिक्योरिटीज बेसिकली आर नथिंग बट इक्विटी शेयर्स। इक्विटीज जो कि इक्विटीज हम लोग शेयर मार्केट में खरीदते हैं, सच एज स्टॉक मार्केट में होता है, और डेट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। डेट सिक्योरिटीज़ जैसे कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, फॉर एन एग्जांपल, और भी बहुत सारे हैं, मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड्स हो गए और डिबेंचर्स हो गए, ये एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया। इक्विटी शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और डिबेंचर हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन अगर बात करें तो एक सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है और उसका हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल इक्विटी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। तो सिक्योरिटी का हमें मतलब पता चल गया कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता चल गया कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका, उस चैप्टर का क्या मतलब है। तो हम लोग अब किस पे बात करेंगे, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर मैंने इक्विटीज़ की बात की, बॉन्ड्स की बात करी, डिबेंचर्स की बात करी, तो हम इसका ही एनालिसिस करेंगे। अब बात यही आती है ना कि आप एनालिसिस किसका करेंगे, तो हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। एज सिंपल एज दिस, जो सिक्योरिटीज मानी जाती हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, दैट्स इट। सो लेट्स बिगन द चैप्टर। चैप्टर का मतलब समझ लिया हमने, अब चैप्टर को भी समझते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमारा पहला काम रहता है कि हम लर्निंग आउटकम्स को ध्यान दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले बात वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या पढ़ के करोगे, क्या पढ़ के करोगे, क्या मतलब इस चैप्टर को पढ़ के तुम्हें क्या नॉलेज आ जाएगा या फिर हमें क्या नॉलेज आ जाएगा ये चैप्टर पढ़ के, तो हमें किस किस चीज़ का ज्ञान हासिल हो जाएगा जिससे हम लोग ज्ञान बांट सकते हैं, इज़न्ट इट, ठीक है। एग्जाम हॉल में ज्ञान बांटेंगे। आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर स्टूडेंट शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड, एक स्टूडेंट कुछ चीज़ों को समझ पाएगा। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज, वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटीज, तो उसके फंडामेंटल एनालिसिस।
अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होगा? एक्सक्यूज मी, फंडामेंटल एनालिसिस जैसे कि हम कोई भी शेयर्स कब बाई करें, कब सेल करें, कब कब होल्ड करना है, बेसिकली इट इज़ नथिंग बट शेयर को कब बाई करना चाहिए, शेयर को होल्ड कब तक करना चाहिए एंड कब सेल करना चाहिए। तो यही बात हो ना, फंडामेंटल एनालिसिस क्या करेंगे आप शेयर का, शेयर आपका शेयर अच्छा दिखता है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है? नहीं, शेयर हम ये देखेंगे कि उसका मूल्य कब खरीद सकते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम टू परचेज। दो चीजें बेसिकली देखेंगे कि व्हेन टू परचेज और विच शेयर वी नीड टू परचेज, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। तो इसमें अगर हम बाई को डिवाइड करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जैसे ये बाई है, तो बाई करते वक्त हमें दो चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि पहला है विच और दूसरा होगा वेयर, व्हेन। अब कौन सा शेयर खरीदे, पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि भाई हम शेयर खरीदने जा रहे हैं लेकिन कौन सा शेयर खरीदे। बहुत सारे शेयर्स लिस्टेड है मार्केट में जो हम ट्रेड कर सकते हैं, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है और हम उसको पे करके अपना बना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डीमैट अकाउंट में मेरा शेयर शो करेगा। तो कौन सा शेयर खरीदे, ऐसा कौन सा शेयर है जो हमें खरीदना चाहिए, तो उसका डिसीजन हम लेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। अब इसमें भी दो चीज़ें हम ध्यान देते हैं, अगर हम पोर्टफोलियो पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आएगा। कौन से शेयर, तो हमारा दो चीज़ पे ध्यान रहता है, एक है मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। बोलो भाई क्या बोल रहा है, मैक्सिमाइज भी करना है, मिनिमाइज भी करना है? जी हाँ, दोनों काम करना है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्हाट, हमारा रिटर्न, हमारा रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। जो हम 100 रुपया लगाते तो हम सोचेंगे 300, 400, 500 रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या हो, मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए रिस्क पे। जो हम पैसा लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, उस रिस्क पे हमें मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए। तो वैसा शेयर चूज करेंगे हम लोग, विच की बात कर रहे हैं कि ऐसा शेयर जो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे सके। जी हाँ, और हम लोग मिनिमाइज क्या करेंगे, रिस्क, हमारा लॉस मिनिमम हो सके, जहाँ पर रिस्क कम हो, रिस्क पे रिटर्न ज़्यादा हो लेकिन रिस्क कम हो। सपोज करिए कोई शेयर है जिस पे हम 100 रुपया लगाएंगे सपोज, तो 100 रुपये में मैं ये सोचूंगा ज़्यादा ज़्यादा लॉस मेरा 10 रुपया होना चाहिए, 20 रुपया होना चाहिए, लेकिन उतना रिस्क ले रहे, 20 रुपये तक का रिस्क ले रहे, तो उस पे जो रिटर्न हो वो 200, 300, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। तो दो क्राइटेरिया हमारी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न ऑन रिस्क, जो हमारा रिस्क है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उस पर हमें रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिले, मैक्सिमाइज कर पाए हम उसको, और रिस्क जहाँ तक हो सके उतना कम। और वेन, सही टाइम पे, जो जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तब हम खरीद लेंगे, तो ये बाई हो गया। होल्ड भी देखेंगे कि हमारा कब, हमारा जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो कब तक मिलता है। सपोज करिए मुझे एक शेयर में 100 रुपया लगाने के बाद मेरा मन है कि मैं 150 रुपये का रिटर्न चाहता हूँ, तब तक होल्ड करूँगा, इज़न्ट इट? जितना आपको रिटर्न चाहिए वहाँ तक होल्ड करेंगे आप, और जब सेल करना है तो जो डिज़ायर रिटर्न जैसे ही दिखा वैसे ठोक दो, मतलब सेल कर दो, मतलब उसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल दो या सिंगल शेयर से निकाल दो। आप शेयर खरीदते हो, एक सिंगल शेयर भी खरीदते हो, ग्रुप ऑफ शेयर भी खरीदते हो, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो पोर्टफोलियो में से आप एक शेयर निकाल सकते हो, खरीद सकते हो। तो बेसिकली ये हो गई फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, इसमें और डिटेल में बात करेंगे। फिर टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा टेक्निकल है, जी हाँ, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग चार्ट देखते हैं, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर देखते हैं कि भाई साहब कब कौन सा मूड होगा इन्वेस्टर का, तो उस हिसाब से पैसा लगाते। सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको एक न्यूज़ आई, ठीक है, कि TCS का क्वार्टर का प्रॉफिट अभी बहुत गिरने वाला है, सो व्हाट विल बी द इन्वेस्टर बिहेवियर। हमें इन्वेस्टर बिहेवियर के माइंड को समझना होगा, जो पैसा लगाता है इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि वो कितना पैसा लगाएगा।
उसकी कब पैसा लगाएगा, कब मतलब कब वो सेल करेगा, कब बाई करेगा। अगर आज क्वार्टर थ्री का प्रॉफिट ड्रास्टिकली गिरने वाला है, एयरटेल का सपोज करो लॉस पे लॉस हुए जा रहा है, तो अगर उसके क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है तो इन्वेस्टर क्या करेगा, सेल आउट करेगा, अपना शेयर जो खरीदा हुआ उसको बेच देगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो बेचेगा, वो कैसे समझेंगे हम लोग, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इन्वेस्टर का बिहेवियर देखेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है, इस शेयर में क्या ट्रेंड है, बढ़ रहा है, घट रहा है, हमें यहाँ पैसा लगाना चाहिए। जैसे होता है ना बार चार्ट, जे कर्व बनता है, शेयर का दाम बढ़ते रहता है, घटते रहता है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो ट्रेंड हो गया, उस ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी इसके मीनिंग की बात करेंगे, इसमें क्या क्या एजम्पशन लेके हम लोग काम करेंगे, उसके थ्योरीज क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं, बहुत सारे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। चार्टिंग टेक्निक, एक स्पेशल चार्ट टेक्निक है, चार्ट देखते हो जब भी आप मनी कंट्रोल ऐप खोलोगे या फिर कोई भी आप ऐप यूज़ करते हो शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो उसमें चार्ट बना रहता है कि एक महीने का चार्ट, एक दिन का चार्ट, एक वीक का चार्ट, 52 वीक का चार्ट, तो उस चार्ट से आपको पता चलेगा कि भाई शेयर का ओवरऑल क्या है, कि ऊपर बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका भी हम लोग टेक्निक देखेंगे। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या क्या है उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो भाई साहब इतना ज्ञान आपको मिलेगा इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम दो बेसिकली ब्रॉड पॉइंट अगर देखें तो एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। तो आप गुरु हो जाओगे शेयर को एनालाइज करने में, सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करने में, कि भाई फंडामेंटली हमें खरीदे बेचे रखे, टेक्निकली खरीदे बेचे रखे क्या करना चाहिए हमें, तो उसका एनालिसिस आपको देना हो। ज्ञान बांटने लगोगे कि अपने बगल वाले भाई को, देख भाई यहाँ पे पैसा लगा दे, जिसके पास पैसा अपना तो लगाता नहीं कोई एज ए स्टूडेंट क्या करता है, अपने आपसे अंकल कोई पूछेगा कि भाई कौन से शेयर में पैसा लगाना है, तो आप बताओगे कि ये मैंने सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ा है उसके आधार पे मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन शायद हमने दे दिया है क्या पहले, नहीं शॉर्ट ऑफ। चलिए बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिपेंड्स ऑन सिक्योरिटीज टू बी बॉट, हेल्ड और शोल्ड। जैसे हमने बात किया, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमारी डिपेंड करती है ऑन सिक्योरिटीज टू बी बॉट, होल्ड और सिक्योर्ड शोल्ड। तो हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं तीन चीज़ों से रिलेटेड, खरीदो बेचो रखो, हमारा इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तीन चीज़ों को कब खरीदना है, कब बेचना है, कब रखना है। बाइंग सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन हाइएस्ट रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, ठीक है, मैंने बोला मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिस्क, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑन रिस्क, रिस्क पे कितना ज्यादा हाइएस्ट रिटर्न लेने की कोशिश करेंगे, और लोवेस्ट रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, और रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिपेंड्स ऑन टू ब्रॉड पॉइंट, हमें अपने रिटर्न को हाइएस्ट ले जाना है, रिस्क को लोवेस्ट ले जाना है। फिर बात आती है, सेलिंग सिक्योरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी सच रिक्वायरमेंट। जब बेचने की बात आएगी तो हम इन सारे मैक्सिमम लोवेस्ट की बात नहीं करेंगे, हम सीधा ये देखेंगे हमारा डिजायर्ड आउटकम जब मिल रहा है उसको हम भेज देंगे। अ सिक्योरिटी कंसीडर्ड फॉर बाइंग टुडे मे नॉट बी अट्रैक्टिव टुमारो, व्हाट अ लाइन। आज जो सिक्योरिटी कंसीडर्ड की जाती है कि अट्रैक्टिव है, हमें रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में क्या छुपा हुआ है दैट इज नॉट प्रेडिक्टेबल, उसको आप हमेशा सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये आप समझ लीजिए कि आज जो आपको शेयर लग रहा है कि आज ये बहुत ही बूम करेगा, आगे इसका 200-300% अप होने वाला वैल्यू, लेकिन कल क्या होगा, शायद उसका कोई मार्केट में बुरा न्यूज आ जाएगा, वो ड्रास्टिकली गिर जाए। किंग फिशर बहुत अच्छा चल रहा था, रिलायंस लिमिटेड अपना जो है अनिल अंबानी जी का रिलायंस वाला, तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा सिचुएशन आया कि उनकी प्राइस गिर गई, बहुत लोग इन्वेस्ट किए थे कि वो अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन वो कल क्या हुआ, उनके साथ बुरा हो गया। तो आज जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो भाई साहब मे नॉट बी अट्रैक्टिव टुमारो ड्यू टू मैनेजमेंट पॉलिसी चेंजेस इन द कंपनी और इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। मैनेजमेंट की गलती हो सकती है, बहुत ज़्यादा डेट ले लिए, रिटर्न वो नहीं कर पा रहे, तो वो एक दिक्कत हो गई, किंग
किंगफिशर के साथ मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा सर्विसेज फ्री में देने लगे, ज़्यादा डेट ले रहे, पे आउट नहीं कर पाए, तो ये मैनेजमेंट पॉलिसी चेंजेस, मैनेजमेंट की जो दिक्कत है उसकी वजह से उस प्राइस में दिक्कत आई। इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर कोई पॉलिसी आ जाती है कि आपका ये बिजनेस बंद हो जाएगा, जैसे कि अभी ई कॉमर्स में बहुत सारी पॉलिसीज़ आ गई, तो वो ड्रास्टिक सेल आपको नहीं देखने को मिलती अभी, तो सेलिंग पे वहाँ पे थोड़ा सा, अभी वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की कंपनी है तो गवर्नमेंट के साथ उसको लेके बहुत सारा नोकझोंक भी चल रहा है, टैरिफ वॉर भी अभी शुरू हो गया इंडिया और इंडिया अमेरिका के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि किन वजहों से आपका आज का प्यारा शेयर जो है, सिक्योरिटी जो है, वो प्यारा दुलारा नहीं रहेगा फ्यूचर में। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक मैनेजमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाए, ठीक है, गवर्नमेंट जो अडॉप्ट करती है। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, ओके, देयरफॉर एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस इज मस्ट। रिवर्स भी हो सकता है, मतलब आज आप सोच रहे हो कि ये लेस अट्रैक्टिव है, क्या पता फ्यूचर में और टुमारो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, ये रिवर्स भी हो सकता है। दिस रीज़न विल बी सेम मैनेजमेंट पॉलिसी। जैसे कि रिलायंस जियो पहली बार जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ तो शेयर रिलायंस अंबानी जी के शेयर में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे थोड़े बहुत स्लो डाउन आया था, लेकिन और लॉन्ग टर्म क्या हुआ उसमें थोड़ा सा बहुत सारा ग्रोथ है। अब जब फ्री बीज बांटोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन मैनेजमेंट पॉलिसी चेंज हुई तो उसके बाद फिर वो सही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे ही नहीं कि अट्रैक्टिव जो है वो कल अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, जो आज लेस अट्रैक्टिव है शायद कल वो अट्रैक्टिव आपको दिखने लगे। तो हमें ओवरऑल क्रक्स क्या है इस इंट्रोडक्शन का, अगर एक लाइन में बोले कि भैया आज जो है वो कल हो या ना हो, जो आज है वो कल हो ना हो, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस एनालिसिस करना पड़ेगा, रोज एनालिसिस करना पड़ेगा, बेसिकली डेली एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमें बॉट सेल और होल्ड रखना है या नहीं। अगर खरीद लिया आपने तो उसको क्या हेल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखना है, फिर बेचना है, इसका आपको कंटिन्यूअस एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस आपको बोलता है कि आप एक दिन एनालिसिस करके, एक बार एनालिसिस करके खरीद सकते हो, लेकिन उसको हेल्ड और शोल्ड करने के लिए, हेल्ड रखने के लिए उसको आपको कंटिन्यूअस एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज विच इज हेल्प अ रैशनल इन्वेस्टर एस्टिमेट द वैल्यू for a company from all the prices sensitive information data so that he can make purchases when the market underprice some of them and thereby earn a reasonable rate of return. Security analysis involves, अब हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस क्या इन्वॉल्व करता है, हम एक एस्टिमेशन करते हैं टू एस्टिमेट वैल्यू फॉर अ कंपनी फ्रॉम ऑल द प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डेटा दैट ही कैन मेक परचेज विद। हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक सिक्योरिटी एनालिसिस जो करता है, एक आदमी सिक्योरिटी एनालिस्ट उसको बोलते हैं, वो क्या करेगा, वो जो डेटा और इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, वो वैल्यू ऑफ अ शेयर, वैल्यू ऑफ अ कंपनी एस्टिमेट करेगा, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की वैल्यू एस्टिमेट करेगा, जिससे कि आप क्या कर सके, उसको परचेस कर सके, और जब मार्केट अंडर प्राइसेस सम ऑफ देम एंड देयर बाई अर्न अ रीजनेबल, उसके बाद आप उसको, जब मार्केट अभी अंडर प्राइस है, जब वो ओवर प्राइस होगा तो आप उसको बेच के निकल जाओ। सपोज करो एक शेयर एनालिस्ट है, अभी मार्केट में कोई भी शेयर चल रहा है 80 रुपये, लेकिन उसको लगता है कि इसका मार्केट वैल्यू 100 रुपये होना चाहिए, तो दैट इज द अंडर प्राइज्ड। 100 रुपये का शेयर अगर आज 80 में है, ये सिक्योरिटी एनालिस्ट बोल रहा है कि भाई साहब 100 रुपये का होना चाहिए, लेकिन अभी वो 80 है, तो दैट इज व्हाट अंडर प्राइज्ड क्या है, तो आप इसको खरीद लीजिए, और जब ये 100 पे आएगा, फिर 110 पे जाएगा, तो यू कैन सेल इट आउट एंड अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट, इजंट इट। फिर बात आती है आगे, टू अप्रोचेस विच फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस आर इन वोग फॉर कैरिंग आउट सिक्योरिटी एनालिसिस। इन फंडामेंटल एनालिसिस फैक्टर्स अफेक्टिंग, दो अप्रोचेज है हमारे पास, एक है फंडामेंटल और एक है टेक्निकल एनालिसिस। उसमें इन फंडामेंटल एनालिसिस
फैक्टर अफेक्टिंग रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्योरिटीज आर लुक्ड इनटू। रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्योरिटीज जो रिस्क और रिटर्न के कैरेक्टर को दिखाता है, जिन वजहों से रिस्क और रिटर्न को अफेक्ट होता है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। समझ में आया? जैसे कि डिविडेंड, बेसिकली इट इज नथिंग बट द फ्यूचर कैश फ्लो जो हमारा रिस्क और रिटर्न को डिटरमाइन करे। एग्जेंटेड, आज मैं कोई भी कंपनी का शेयर खरीदता हूं तो उसमें रिस्क रिटर्न फ्यूचर के कैश फ्लो पे डिपेंड करता है। अगर फ्यूचर का कैश फ्लो गिर गया तो रिस्क ज्यादा है, अगर फ्यूचर का कैश फ्लो बढ़ रहा है तो रिटर्न ज्यादा है। तो इन अ फंडामेंटल एनालिसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्योरिटीज जो रिस्क और रिटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। बात सिंपल सी, हम रिस्क और रिटर्न की बात करेंगे, ठीक है। While in technical analysis, demand, supply, position of the securities along with the prevalent share price tends to be are examined. Demand and supply, position of securities along with the prevalent share price trends are examined. Prevalent share price trends are examined. दो चीजें, ऊपर था रिस्क और रिटर्न, यहां पे उससे मतलब नहीं है। हम इन्वेस्टर के माइंड को पढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को पढ़ेंगे कि कब डिमांड ज्यादा है, कब सप्लाई ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है, शेयर का प्राइस अप, सप्लाई ज्यादा है मतलब सेल आउट ज्यादा, तो शेयर का प्राइस डाउन। तो हम बिहेवियर को समझेंगे, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, बाई हेल्ड और शोल्ड। तो कहने का मतलब ये कि दो एनालिसिस हमारे पास, दो अप्रोच है। दोनों अप्रोच का क्रक्स क्या है? इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं 20 चैप्टर का, तो उसमें हम बात करेंगे कि रिस्क और रिटर्न फंडामेंटल एनालिसिस में, और हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में उसके डिमांड, उसके सप्लाई की, क्या डिमांड है उसका, क्या सप्लाई है उसका, ठीक है, ऑफ द सिक्योरिटीज अलॉन्ग विद द प्रीवेलेंट शेयर प्राइस, शेयर प्राइस से रिलेटेड। तो ये दो अप्रोच हो गए। अब हम पहले अप्रोच की बात करने से पहले अगर आपको समराइज कर दें क्या क्या बातें हुई अभी तक, तो ऐसे होगा। कलर चूज कर ले भाई, सही। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, किसी भी शेयर को बाय हेल्ड और शोल्ड के लिए, ठीक है। अब ये बाय किस पर डिपेंड करता है? हमें हाईएस्ट रिटर्न चाहिए और लोवेस्ट रिस्क। शोल्ड कोई भी क्राइटेरिया डिपेंड नहीं करता, आपका जब डिजायर्ड रिटर्न मिल जाए तो आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। होल्ड भी, आप डिजायर्ड रिटर्न जब तक मिलता दिख रहा है तब तक आप हेल्ड कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में हमने बात की, ठीक है। और हमने बात की इसके बारे में कि हमें इसका कंटिन्यूअस एनालिसिस करते रहना होगा, ये वन डे का प्रोसेस नहीं है। कंटिन्यूअस एनालिसिस, हर एनालिसिस, हर जगह, हर वक्त हमें एनालिसिस करना, हर जगह नहीं, हर वक्त हमें एनालिसिस, हर डे एनालिसिस करते रहना चाहिए कि आपका ये क्राइटेरिया हाईएस्ट रिटर्न और लोएस्ट रिस्क फुलफिल हो रहा है या नहीं। हम सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या करते हैं? सिक्योरिटी एनालिसिस में हम सिक्योरिटीज को एनालाइज करते हैं कि वो अंडर प्राइज रहे तो हम रिकमेंड कर दें बाई कर लो, और जब ओवर प्राइज रहे तो उसको सेल करने की सलाह देते हैं। बेसिकली लोवेस्ट प्राइस पे खरीदना हम लोग रिकमेंड करते हैं, और बेचना जब ओवर प्राइज हो तो उसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास इसके लिए दो अप्रोच हैं, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए और उसको रिटर्न दिलाने के लिए। दो अप्रोच हैं, टू अप्रोचेस,
पहला अप्रोच अपना फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा अप्रोच अपना क्या, टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे रिस्क और रिटर्न के बारे में, हमारा रिस्क और रिटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ अ सिक्योरिटी, उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे। जैसे कि हमारा रिस्क को लोवेस्ट करना है, रिटर्न को हाईएस्ट करना है, तो इसका एनालिसिस अपने फंडामेंटल एनालिसिस में करेंगे। वही जब बात आएगी टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे डिमांड और सप्लाई की। डिमांड और सप्लाई का क्या मतलब है, डिमांड का आपका क्या एनालिसिस होगा, आप कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे डिमांड को। डिमांड जब हाई हो तो शेयर प्राइस अप होगा, जब सप्लाई हाई हो तो रिवर्स होगा, शेयर प्राइस डाउन होगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। आपको इकोनॉमिक्स याद आ रहा होगा, बट टेंशन मत लीजिए, उतना डिटेल में डिमांड और सप्लाई याद नहीं पड़ता है अपने। आई नो आपको इकोनॉमिक्स पसंद नहीं है, पता नहीं। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे कि भाई जनरल नेचर। तो ये चैप्टर में इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है, बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय हेल्ड सेल करना है, हाईएस्ट रिटर्न लोवेस्ट रिस्क ये हमारा रहेगा, डिजायर्ड रिटर्न जब मिलेगा तो शोल्ड करेंगे। कंटिन्यूस एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कोई भी सिक्योरिटीज आप जब खरीदते हो या खरीदवाते हो तो उसका कंटिन्यूस एनालिसिस करिए, क्योंकि कल क्या होगा पता नहीं। आज अगर आप खरीदवा रहे हो, आज जो आपको लेस अट्रैक्टिव लग रहा हो वो शायद फ्यूचर में अट्रैक्टिव लगे, आज जो अट्रैक्टिव है वो फ्यूचर में लेस अट्रैक्टिव लगे आपको शेयर। ठीक है, हमारा कोशिश क्या रहता है कि हम अपने खरीदें या खरीदवाएं एक ऐसा शेयर जो अंडर प्राइज्ड हो, मतलब उसका वैल्यू ओवर प्राइज्ड ना हो, जिससे कि हम एक रिजनेबल रिटर्न फ्यूचर में कमा पाएँ या फिर दूसरे को मदद कर पाएँ कमाने में। हमारे पास दो अप्रोचेज हैं इन सारी रिस्क और रिटर्न को समझने के लिए, मतलब इस फंडा को समझना पड़ेगा कि हमें रिजनेबल रिटर्न मिल जाए अपना जब हम कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करें। दो अप्रोच है इसको समझने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बोलता है कि रिस्क और रिटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्योरिटीज को हमें एनालाइज करना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताता है कि उस रिस्क और रिटर्न को इम्पैक्ट करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा फोकस यही रहता है रिटर्न हाई रिस्क लो, तो फंडामेंटल एनालिसिस उस पर बेस्ड है, और टेक्निकल एनालिसिस डिमांड और सप्लाई पे प्योरली बेस्ड रहता है। जो मार्केट में प्राइस है उसकी डिमांड और सप्लाई, आज 100 रुपये की शेयर का डिमांड क्या है, प्राइस सप्लाई क्या है, तो इसका एनालिसिस करेंगे। डिमांड ज़्यादा प्राइस ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा प्राइस कम, डिमांड कम तो प्राइस लो, सप्लाई कम तो प्राइस ज़्यादा। ये रिवर्स भी हो सकता है, जैसे अप डाउन हुआ तो रिवर्स भी हो सकता है। तो ये इस चैप्टर का क्रक्स है, ये इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बारे में हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे आगे। और हमारा पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल एनालिसिस। तो आपसे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे डिटेल में। फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस एंड शो ऑन। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग अस, बाय फॉर नाउ, और कीप सब्सक्राइब। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुक्रिया।